हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक ए ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइस, ये वीडियो ऑल स्मार्ट गागा यूज़र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और गाइस, इस वीडियो में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताएंगे जिसको आप अप्लाई करके स्मार्ट गागा का सभी एरर को आप फिक्स कर पाएंगे, जैसे कि स्मार्ट गागा ब्लैक स्क्रीन प्रॉब्लम, स्मार्ट गागा फ्री फायर नॉट वर्किंग, फ्री फायर लोगो स्टैगा, फ्री फायर कैरेक्टर शो, सभी एरर को आप फिक्स कर पाएंगे। और गाइस, आपके पीसी में कोई भी वर्षन का स्मार्ट गागा सब में जो है काम करेगा और आपके स्मार्ट गागा जो भी प्रॉब्लम हो रहा है फिक्स कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन। सो गाइस, स्टेप वन के अंदर हम स्मार्ट गागा के सेटिंग को चेंज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक में कुछ सेटिंग चेंज करने को जरूरत नहीं है, यहाँ पे एडवांस में जाइए। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं रिवोल्यूशन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है, टैबलेट मोड सेलेक्ट करिए। और गाइस, आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो यहाँ पे 720p रखिए, 720p बेस्ट है। यहाँ पे जो भी गेम खेलना चाहते हैं विदाउट ग्राफिक्स कार्ड लिए 720p बेस्ट है। और गाइस, आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है तो आप 1080p भी रखेंगे तो लैग नहीं होगा, बट ग्राफिक्स कार्ड का जरूरत पड़ेगा 1080p रखने के लिए। तो गाइस, मेरे पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे 1080p रख दिया। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखते हैं सीपीयू, यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट रखा है। आपके पीसी के सीपीयू में अगर 2 कोर है तो यहाँ पे 1 कोर रखिए, अगर 4 कोर है तो यहाँ पे 2 कोर रखिए, अगर 4 कोर के ऊपर आपके सीपीयू कोर है तो यहाँ पे ऑटो ही रखिए, ऑटो ही बेस्ट है अगर 4 कोर के ऊपर है। और गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन है रैम। तो रैम के अंदर आपके पीसी में अगर 2GB रैम है तो यहाँ पे 1GB रखिए, अगर 4GB रैम है तो यहाँ पे 2GB रखिए, अगर 4GB के ऊपर रैम है तो यहाँ पे ऑटो ही रखिए, 8GB या 6GB रैम है तो यहाँ पे ऑटो ही रखिए, ऑटो ही बेस्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है यहाँ पे रेंडरिंग, तो आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टएक्स रखिए, और अगर आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पे ओपनजीएल रखिए। तो ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो डायरेक्टएक्स, और ग्राफिक्स कार्ड है तो ओपनजीएल, तो मेरे पास ग्राफिक्स कार्ड है तो इसलिए मैंने ओपनजीएल रखा है। और गाइस, यहाँ पे इस टिक चिन्ह को इनेबल करिए आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है तो, बाकी ये सेटिंग सब सेम ही रहेगा, ऑटो ही रहेगा, तो इसको सेव कर लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप टू। सो गाइस, स्टेप टू के अंदर आपके पीसी में जो भी वर्जन के स्मार्ट का इंस्टॉल है उसको आइकॉन को क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, देन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मोड में जाइए। और गाइस, यहाँ पे नीचे रन दिस प्रोग्राम को इसको टिक करिए, और यहाँ पे इसको टिक करके एप्लीकेशन सेट करिए और इसको सेव कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप थ्री। और गाइस, स्टेप थ्री में आपके पीसी में विंडोज़ 7 है तो इस स्टेप को आप स्किप करिए, विंडोज़ 7 में ग्राफिक्स सेटिंग नहीं मिलेगा। अगर विंडोज़ 8 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 तो आप सिंपली सर्च में जाइए, ग्राफिक्स सेटिंग को सर्च करिए और पे इसको ओपन हो जाएगा। देन ब्राउज़र में जाइए, देन डेस्कटॉप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे स्मार्ट गागा का आइकॉन को सिलेक्ट कर लीजिए। और गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट गागा आइकॉन जो है ऐड हो गया है। यहाँ पे ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे ग्राफिक्स सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे विंडोज सेट है, यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस को सेट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ग्राफिक्स कार्ड। और गाइस, ये विंडोज 7 है तो इसको आप स्किप करिए, ये विंडोज 8, विंडोज 10 एंड विंडोज 11 में ही काम करेगा इस स्टेप। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप 4। सो गाइस, स्टेप 4 में सिंपली आप टास्क मैनेजर को ओपन कर लीजिए यहाँ से। आपके गाइस, ये आपके कोई भी विंडोज़ में है तो टास्क मैनेजर ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली स्मार्ट गागा देख सकते रन हो रहा है, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करिए। और गाइस, यहाँ पे देख कोई भी एक आइकन को सिलेक्ट करके गो टू डिटेल्स में जाइए। डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते स्मार्ट गागा का जो exe फाइल यहाँ पे शो कर रहा है, सिंपली इसको राइट क्लिक करिए और यहाँ पे सेट प्रायोरिटी यहाँ पे देख सकते नॉर्मल है, इसको हाई कर दीजिए। तो गाइस, यहाँ पे जो है रैम या प्रोसेसर यहाँ पे स्मार्ट गागा का जो है जो चाहिए मैक्सिमम उसको यूज़ कर लेगा और यहाँ पे कोई लैग इशो नहीं करेगा। तो गाइस, ये सभी सेटिंग को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पीसी में कोई भी प्रॉब्लम, लैग हो रहा है या स्मार्ट गागा लोगो स्टक हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन हो रहा है, सभी जो है प्रॉब्लम जो फिक्स हो जाएगा। और गाइस, फ्री फायर के लिए जो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है फ्री फायर का ग्राफिक्स सेटिंग। और गाइस, आपके पीसी में कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, विदाउट ग्राफिक्स कार्ड फ्री फायर को रन कर रहे और गाइस लैग हो रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे जो फ्री फायर का ग्राफिक्स सेटिंग है उसको आप स्मूथ रखिए, यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाके यहाँ पे स्मूथ रखिए तो यहाँ पे लैग नहीं करेगा, आप विदाउट ग्राफिक्स कार्ड में रन कर पाएंगे स्मूथ के अंदर। बाकी और गाइस, आपके पीसी में ग्राफिक्स कार्ड है तो आप बाकी दूसरा ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, मेरे पीसी में जो स्मार्ट गागा का वर्जन
वर्जन स्मार्ट गागा 1.1 लाइट वर्जन। और गाइज ये वर्जन बहुत ही लाइट वेट वर्जन है, इसको आप लो एंड पीसी 2GB रैम पीसी में भी बहुत अच्छे से इसको रन कर पाएंगे। तो गाइज इस वर्जन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस वीडियो इतना ही, देख सकते हैं यहाँ पे फ्री फायर जो स्मूथली रन हो रहा है मेरे पीसी में। मेरे पीसी में का रैम जो है 8GB रैम है और गाइस यहाँ पे 6 कोर प्रोसेसर है। तो गाइस वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।